हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रवि, आप देख रहे हैं गोल्डन बुल्स। आज मैं एक आपके लिए बहुत ही तगड़ा शेयर लेके आया हूँ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त आपको रिटर्न देने वाला है। ये आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो ये जो शेयर है जिसने लगभग 16 ईयर्स का जो है ब्रेकआउट दिया है, जो 16 साल का इसका जो ये वाला जो देख रहे हैं आप कंसोलिडेशन था, इसका ब्रेकआउट इसने दिया है आज तगड़ा। तो यहाँ से जो है आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये आपको काफ़ी तगड़ा रिटर्न देने वाला है। और ये सबसे पहली बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये भागने वाला है या नहीं, और ये सस्टेन करने वाला है कि नहीं, ये हम आज बात करने वाले हैं। और ये क्यों भाग रहा है, ये जो इसका 16 साल का जो कंसोलिडेशन, ये इसने आखिर क्यों ब्रेक कर दिया है। तो सबसे पहले जो है, मैंने यहाँ पे कुछ चार्ट पैटर्न भी बन रहा है, मैंने ड्रॉ करके रखा है। यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने इसे हेड करके रखा हुआ है। तो पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस कंपनी के फंडामेंटल की। तो मार्केट कैप अगर देखेंगे तो तगड़ा मार्केट कैप है ये, लगभग 30 करोड़, सॉरी 29,891 CR का जो है इसका मार्केट कैप है। ROCE अगर देखेंगे तो 15.1 का है। स्टॉक का PE अगर देखेंगे 19.1 का है। ROE अगर देखेंगे तो 12% का है। बुक वैल्यू 74, करंट प्राइस अगर देखेंगे 163। अगर इसका ROE देखेंगे तो सिर्फ 12% का है, मतलब इसने कुछ रिटर्न इतना खास दिया नहीं इतने सालों में। ये आपको रीज़न मैंने बता दिया कि ये जो कंसोलिडेशन था इसका, 16 साल से ये बिल्कुल ही भागा नहीं है, तो इस वजह से इसने रिटर्न कुछ जनरेट नहीं किया है। तो अभी अगर देखेंगे प्रोज एंड कॉन्स में अगर देखेंगे तो कंपनी जो है डेट नया बिल्कुल नहीं है, डेट फ्री कंपनी है बिल्कुल ही। तो ये सबसे बढ़िया बात है हमारे पास कि कंपनी बिल्कुल डेट नहीं है। और यहाँ पे अगर देखोगे सेल्स अगर देखोगे तो 2023 से अगर देखोगे तो कंसिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पे, कंसिस्टेंसी सेल्स में, तो ये एक अच्छी बात है। और यहाँ पे अगर प्रॉफिट की बात करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ये लगातार यहाँ पे बढ़ रहा है। और यहाँ पे अगर देखोगे नेट प्रॉफिट, ये यहाँ पे भी आप देख सकते हो। और सबसे बढ़िया बात अगर देखोगे तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे मार्केट के पास रिजर्व जो, सॉरी, ये कंपनी के पास अगर देखोगे तो रिजर्व अगर देखोगे तो 12.69 CR का जो है यहाँ पे 12,690 करोड़ का जो है मार्केट के पास रिजर्व पड़ा हुआ है। और बोरोइंग्स अगर देखोगे तो लगभग ना के बराबर है, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है एक कंपनी के लिए। रिजर्व काफ़ी पड़ा हुआ है और डेट बिल्कुल नहीं है। और नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो प्रमोटर के पास 51.28 का परसेंट का स्टेक जो है, कंसिस्टेंसी बनी हुई है उनकी होल्डिंग्स में। और यहाँ पे अगर देखोगे FIS का अगर स्टेक देखोगे 2023 से, जून 2023 से, तो 14.95 से घटकर सेकंड क्वार्टर जो है 2023 का, इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा कम कर दिया था, 13.68% का स्टेक कर दिया था। उसके बाद दिसंबर 2023 में अगर देखेंगे तो 11.56% का स्टेक जो है FIS ने यहाँ पे बनाया है, मतलब ये FIS का थोड़ा सा स्टेक घट रहा है यहाँ पे 2023 तक। लेकिन ये जो यहाँ पे जो ये स्टेक जो घटा है तो वो कहाँ गया है, तो ये आ गया है DIS के पास। क्योंकि जून 2023 के क्वार्टर से अगर देखेंगे तो DIS का जो है यहाँ पे शेयर होल्डिंग जो है यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। पहले था 15.38, बाद में सेकंड क्वार्टर जो है यहाँ पे देखोगे तो, सॉरी, इस क्वार्टर में देखोगे तो सितंबर के 17.47 पॉइंट का स्टेक इन्होंने परचेस किया है। और उसके बाद दिसंबर 2023 में अगर देखोगे तो ये 17.5 से घट के 18.80% का ये स्टेक यहाँ इन्होंने बढ़ाया है। तो कंपनी के ऊपर ये FIS और DIS जो है काफ़ी बुलिश यहाँ पे दिख रहे हैं। और पब्लिक के पास अगर देखोगे तो 18.38% का स्टेक पर पब्लिक के पास है, तो पब्लिक के पास बिल्कुल कम स्टेक है। तो ये एक अच्छी बात होती है कि FIS, DIS और प्रमोटर के पास ज़्यादा स्टेक है, तो वो कंपनी के ऊपर काफ़ी उनको
भरोसा है, ये बात उसके ऊपर डिपेंड होती है कि ये लोग कंपनी के ऊपर कितना भरोसा करते हैं। तो ये फंडामेंटली तो काफ़ी अच्छा तगड़ा शेयर है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी बात कर लेते हैं कि ये क्यों भाग रहा है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे काबिल नाम से एक जॉइंट वेंचर इन्होंने किया हुआ है, जिसमें जो कंपनी है, इसका मैं एक बार आपको लॉन्ग फॉर्म बता देता हूँ, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया काबिल, इज अ जॉइंट वेंचर कंपनी अमॉन्ग द थ्री गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड SCL और MECL। इन्होंने मिलके जो है एक काबिल नाम से एक वेंचर बनाया हुआ है, एक कंपनी एस्टेब्लिश हुई है जो कि मोदी गवर्नमेंट के अंडर ही है अभी फ़िलहाल। तो ये बहुत ही तगड़ा, इसका फ़ायदा जो है इसको होने वाला है, नेशनल एल्यूमिनियम को। ये एल्यूमिनिया एल्यूमिनियम और एल्यूमिना ये मेन प्रोडक्शन है इस कंपनी का, नालको कंपनी का। तो ये ईवी में ज़्यादा यूज़ होने वाला है, और इसका फ़ायदा जो है इस जॉइंट वेंचर का, काबिल का, ये नेशनल एल्यूमिनियम ये जो कंपनी है इसे ज़्यादा बेनिफिट इसका होने वाला है। इस वजह से जो है ये अभी शेयर जो है इसने ब्रेकआउट दिया है और अभी ये भागने की तैयारी में है। तो चलिए, अभी ये फंडामेंटल बात हो गई कि क्यों भाग रहा है, मेन तो चीज़ यही है। और ये सस्टेन करेगा कि नहीं ये भी बात है, क्योंकि ईवी सेक्टर जो है आजकल तो बिल्कुल ही न्यूज़ में है, और फ्यूचर जो है ईवी का ही है। तो इसका फ़ायदा नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी को होने वाला है। तो ये जो ब्रेकआउट हुआ है तो लगभग जो है ये सस्टेन करेगा, क्योंकि इसका 16 साल के बाद ये जो ब्रेकआउट हुआ है तो सस्टेन तो बनता है, और न्यूज़ भी है इस शेयर में, और ये न्यूज़ भी है, तो ये काफ़ी तगड़ी न्यूज़ है। ये कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है कि 2 दिन न्यूज़ चलेगी बस, उसके बाद में फिर से नीचे गिर जाएगा। तो दो चीज़ें मेन यहाँ पे सस्टेन जो होगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि उसका रीज़न, दो रीज़न तो मेन है। एक तो ये काबिल कंपनी जो है, काबिल जो है इन्होंने फॉर्म किया है जॉइंट वेंचर, प्लस सबसे बड़ी चार्ट पे बात तो ये दिख रही है कि इसका 16 साल का जो कंसोलिडेशन था ये इसने ब्रेक कर दिया है अभी। तो इसमें आप अगर पोजीशन बनाते हो लॉन्ग टर्म के व्यू रख के, तो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे तगड़ा रिटर्न मिलने वाला है। तो यहाँ पे अगर ऐसे नेकेड चार्ट देखोगे तो आपको अभी कुछ दिख नहीं रहा होगा, तो ये मैं जो हाइड किया हुआ है मैंने, तो इसे मैं हटा दे, एक बार ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे बाय जोन, SL पॉइंट, और जिस दिन मैं ये बना रहा हूँ वीडियो उसका मैंने तारीख भी यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन जो आ रहा था ये वाला, यहाँ पे शेयर नीचे गिरा था, यहाँ से इसने एक बार यहाँ पे कोशिश की, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, तो 1, 2, 3 बार यहाँ पे मार्केट ने कोशिश की थी इसको ब्रेकआउट करने की। आखिरकार यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ 2021 में। ये मंथली चार्ट है, और यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद फिर से मार्केट अभी अपसाइड मोमेंटम अपना चालू कर रहा है। तो आपका जो बाइंग का, मैं अभी आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पे बाइंग आपका कहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी अभी हाई पे चल रहा है अपने ये ब्रेकआउट देने के बाद में, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये नीचे की साइड जो है ये थोड़ा सा नीचे आ सकता है, 140 से लेके 120 के लेवल पे जो है ये आ सकता है। तो आपको 120 से लेके 130 की रेंज जो है इसका वेट करना है यहाँ पे आपको। तो मैं अब वीकली चार्ट लगा लेता हूँ, तो वीकली में अगर देखेंगे तो हाँ, हो सकता है यहाँ से ये सीधा ही भागता ही चला जाए ऊपर के टारगेट में। मैंने मार्क करके रखे हुए हैं, तो मैं आपको एक बार दिखा दूंगा। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आना, जब आएगा यहाँ पे थोड़ा सा इस रेंज में अगर आएगा तो आप एक बार यहाँ पे पोजीशन बना सकते हो, और फिर से अगर ये ब्रेकआउट देता है तो ऊपर की साइड में ये इस तरीके से कुछ जा सकता है। तो ये भी आप मार्क करके रख सकते हो। अभी अगर आपको इसी पॉइंट पे अगर आपको कुछ पोजीशन बनानी है, तो आप कुछ क्वांटिटी यहाँ पे पार्ट पार्ट में आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो,
ऐसा नहीं है कि आपको दिख रहा है 16 साल का इसने ब्रेकआउट दिया है और पूरी क्वांटिटी एक ही साथ में ले लो, तो ऐसा मत करो। अब अगर आपको 500 क्वांटिटी लेनी है तो आपको हर डिप पे जो है 100 क्वांटिटी ऐड करनी है, तो ये लग नहीं रहा है कि ज़्यादा डिप या ज़्यादा करेक्शन ये करेगा, क्योंकि ये 16 साल का जो ब्रेकआउट हुआ है तो ये ज़्यादा डिप नहीं मारेगा ऐसा मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे अगर देखोगे आप तो जब भी आपको डिप में मिलेगा, अभी वीकली चार्ट मैंने लगाया, अभी रिसेंटली जो है इसने लो अगर देखोगे तो 137 का लो लगाया है और उसके बाद में क्लोजिंग काफ़ी अच्छी तगड़ी यहाँ पे दिख रही है। अगर फिर भी आप यहाँ पे इस पॉइंट पे इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो अगर 500 शेयर का आपका टारगेट बाइंग का टारगेट है तो इसी पॉइंट पे CMP जो यहाँ पे चल रहा है 162 का, यहाँ पे आप 100 क्वांटिटी बाई कर सकते हो। हो सकता है कि यहाँ से ऊपर ही चला जाए, रिट्रेसमेंट दे ही ना, तो आप 100 क्वांटिटी लेके यहाँ पे बाय करके चल सकते हो। और जब भी आपको यहाँ पे डिप मिलेगा नीचे के साइड, जब भी आएगा ये शेयर तो आपको 100 क्वांटिटी फिर से बाय करनी है, और उसके भी नीचे अगर आता है यहाँ पे जो अपना एक्चुअल बाइंग पॉइंट जो बन रहा है 120 से लेके 130, तो यहाँ पे आप पूरा क्वांटिटी ऐड कर सकते हो और फिर वेट कर सकते हो अपर साइड मोमेंटम के लिए। और ये सेल पॉइंट जो आपका बनेगा, ये वाला जो लो यहाँ पे दिख रहा है, इससे थोड़ा सा मैंने नीचे लिया हुआ है 75 का, यहाँ पे आप एसएल पॉइंट रख सकते हो। और दूसरा जो सेकंड एसएल जो है 88 से लेके 85 का, इस जोन में भी एक एसएल पॉइंट है, लेकिन ये सेफ साइड के लिए मैंने 75 रुपीज़ का यहाँ पे एसएल दिया हुआ है। जब आपका बाइंग 120 से लेके 130 आपका जो बाइंग प्राइस होगा उसका जो एसएल पॉइंट है ये 75 रुपीज़ का होगा। और अपर साइड के लिए अगर अगर पोटेंशियल की बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग जो है 300 के आसपास मुझे यहाँ पे जाता हुआ ये इसका टारगेट यहाँ पे दिख रहा है। और अगर आप लॉन्ग टर्म 2 से लेके 5 साल के लिए इसे होल्ड कर सकते हो तो ये हो सकता है एक मार्केट कैप इसका बढ़ने के बाद ये मिड कैप से लेके स्मॉल कैप से लेके, अभी अगर देखेंगे तो स्मॉल कैप ही था ये जब यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, लगभग 25 रुपये से 30 25 के 25 से लेके 30 रुपये, तो स्मॉल कैप से लेके ये मिड कैप बन गया है। और ये अभी हो सकता है आने वाले कुछ सालों में लार्ज कैप बन जाए, जब लार्ज कैप बन जाएगा तो कम से कम ये 700 से 800 रुपये तक भी इसका प्राइस टारगेट मिल सकता है आपको। तो लॉन्ग टर्म अगर आपका व्यू है तो ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी और सबसे बढ़िया शेयर है ये आपको बाय करने के लिए। तो ये मेरा एनालिसिस है कि ये शेयर जो है लॉन्ग टर्म अगर आप होल्ड करते हो तो एक मल्टी बैगर शेयर ये बन सकता है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको अभी तक ये आप अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो या चैनल पे पहली बार आए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, तो ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिले, आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगले ऐसे कुछ वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जो मल्टीबैगर साबित हो सकते हैं, ऐसे शेयर जो है उनका एनालिसिस वीडियो में अपलोड करता रहता हूँ। आप अगर देखोगे यहाँ पे, ये मेरा यूट्यूब चैनल है गोल्डन बुल्स नाम से, यहाँ पे अगर देखोगे आप तो ये मेरा चैनल का इंटरफेस है, आप इससे जुड़ सकते हो। और ऐसे कुछ शेयर्स जो है मैंने यहाँ पे एनालिसिस वीडियोस डाले हुए हैं, और यहाँ पे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है डेली एनालिसिस वीडियो यहाँ पे अपलोड करते रहते हैं, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे हम लाइव मार्केट में इंट्राडे के लेवल्स जो है निफ्टी बैंक निफ्टी के यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। तो ये वाला जो QR कोड आपको दिख रहा है राइट हैंड कॉर्नर में ये वाला, तो इसको आप अपने मोबाइल से स्कैन करके इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ऐसे कुछ धमाकेदार वीडियो में जो आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स देंगे, ऐसे कुछ वीडियोज़ या शेयर्स जो होंगे तो इसके वीडियोस आप पा सकते हो, तो चैनल से ज़रूर जुड़िए। और अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।